Sir, fluctuation. समझ में नहीं आ रहा है. What does the graph say? Stocks are going up. Stocks are going down. Good morning, friends. Welcome once again to Nifty Analysis from TradingFab.in. आज 14th अक्टूबर 2019 मंडे है. सुबह के 8:18 हो रहा है. नया वीक शुरू हो रहा है. पहला ट्रेडिंग सेशन है इस वीक का. फ्राइडे के बाद सैटरडे संडे कुछ ग्लोबल न्यूज थी, काफी जरूरी थी. यूएस और चाइना के बीच में जो ट्रेड वॉर चल रहा है उसकी टेंशन थोड़ी खत्म होते हुए नजर आ रही थी. फ्राइडे को यूएस मार्केट हरे निशान में बंद हुए थे और जो मिडल ईस्ट कंट्रीज है वहां पर काफी टेंशन बढ़ रहा है. टर्की और सीरिया के बीच में है, ये थोड़ा सा वॉर टाइप का सिचुएशन है. टर्की ने अटैक कर दिया है सीरिया के ऊपर और जो ईरानियन ऑयल टैंकर्स थे उनके ऊपर भी हमला हुआ है. तो थोड़ा सा मिडल ईस्ट कंट्री में टेंशन चल रहा है. इंडिया की अगर बात करें तो इस वीक में कुछ डेटा रिलीज होने वाला है गवर्नमेंट की तरफ से, इकोनॉमिक डेटा. आज इन्फ्लेशन का रेट का जो डेटा है वो पब्लिश होगा, कल बैलेंस ऑफ ट्रेड का डेटा पब्लिश होगा और फ्राइडे मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग्स के मिनट्स जो है वो पब्लिश होंगे. उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का डेटा भी आएगा. तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट है इस वीक में और जो कि क्वार्टर टू के कंपनीज के जो रिजल्ट्स है वो अभी एक एक करके बाहर आने वाले हैं. तो काफ़ी वोलेटाइल मूव हमें देखने को मिल सकता है. काफ़ी दिनों से निफ्टी इंडेक्स भी काफ़ी साइडवेज ट्रेंड में ये ट्रेड कर रहा है और काफ़ी वोलेटाइलिटी हमें देखने को मिल रही है. तो आज निफ्टी में क्या इंट्राडे लेवल्स होंगी ये आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन उससे पहले फ्राइडे के एनालिसिस का क्विकली रिव्यू करते हैं. ये एक पिक्चर है फ्राइडे का, यानी 11th अक्टूबर आफ्टर मार्केट आर से पिक्चर लिया हुआ है. अगर आपने हमारा फ्राइडे का वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो ऊपर यहाँ आई बटन में आपको उसकी लिंक यहाँ मिल जाएगी. तो फ्राइडे के एनालिसिस के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 11,245 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 11,214. जैसे कि आप देख रहे हैं 10 मिनट का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है. शुरू में तो निफ्टी इंडेक्स हमारा जो फर्स्ट टारगेट था इसी के पास ऑलमोस्ट ओपन हुआ. तो शुरू में तो कोई यहाँ पर ट्रेड नहीं बनता. ऊपर जाने के बाद यहाँ पर एक जबरदस्त रोलर कोस्टर टाइप का ये मूव आ गया था अराउंड 10 बजे के आसपास, 10-10:15 के आसपास. तो ये जो था, ये जो एक जबरदस्त गिरावट देखने को मिली थी कुछ ही मिनटों में, तो यहाँ पर एक न्यूज हुआ पब्लिश हुआ था जो ईरानियन ऑयल टैंकर्स थे उसके ऊपर हमला कर दिया है किसी ने. तो क्या ये टेररिस्ट अटैक था या फिर सऊदी ने रिटेलिएट किया था क्योंकि उनके भी कंपनी के ऊपर ऑयल अटैक हुआ था. तो यहाँ पर एक जबरदस्त पैनिक मूव हमें देखने को मिला और जैसे ये टूवर्ड्स साउथ की तरफ यहाँ से मूव हुआ तो हमारा फर्स्ट ये जो टारगेट है ब्रेकडाउन लेवल ब्रेक होने के बाद ये अचीव हुआ 11,197 एग्जैक्ट. इसी के पास ही इसने सपोर्ट टेस्ट किया और फिर बाउंस बैक हुआ. तो हमारा ब्रेकआउट लेवल यहाँ पर ब्रेक हुआ. उसके बाद फर्स्ट टारगेट और सेकेंड टारगेट 11,283 ये भी अचीव हुआ. तो फ्राइडे के एनालिसिस के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 38 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 28,500 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था. तो ये था फ्राइडे के एनालिसिस का क्विकली रिव्यू. ग्लोबल मार्केट के भी हालात देख लेते. फ्राइडे को यूएस मार्केट हरे निशान में बंद हुए थे, जबरदस्त तेजी देखने को मिली थी. यूरोपियन मार्केट भी देखे तो सभी पॉजिटिवनेस वहां पर दिखा रहे थे, फ्राइडे को हरे निशान में बंद हुए. और आज जब एशियाई मार्केट ओपन हो चुके हैं तो जापानीज इंडेक्स, जापान में आज छुट्टी है. चाइना मार्केट और हांगकांग मार्केट देखे तो अभी पॉजिटिविटी के साथ इस समय ट्रेड कर रहे हैं, दोनों भी हरे निशान के साथ इस समय यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं. डाउ फ्यूचर देखे तो 70 पॉइंट्स की बढ़त दिखा रहा है और एसजीएक्स निफ्टी हल्की सी कमजोरी के साथ इस समय ट्रेड कर रहा है. तो चलते हैं चार्ट के ऊपर, निफ्टी का वीकली चार्ट से एनालिसिस को शुरू करेंगे. ये वीकली का निफ्टी का वीकली चार्ट, यहाँ पर अभी ये जो मूविंग एवरेजेस है इसके ऊपर आके ये जस्ट क्लोज हुआ है लास्ट वीक. ये लास्ट वीक का ग्रीन कैंडल है, उसके पहले हमने ये स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडलस्टिक देखा था और ये एग्जैक्ट 50 ईएमए के पास आके इसने क्लोज दिया था लास्ट के लास्ट वीक. तो 50 ईएमए यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है, लेकिन अभी भी पैटर्न देखे तो लोअर हाईज यहाँ पर कंटिन्यू है. ये लो के बाद, ये लोअर हाई के बाद ये लोअर हाई, ये हाई के बाद इस कैंडल का ये जो हाई है ये प्रीवियस हाई के नीचे है. तो लोअर हाईज यहाँ पर कंटिन्यूज अभी चल रहा है. तो यहाँ से अगर अपसाइड
मूव का अगर कंफर्मेशन चाहिए तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग डिसीजिव मूव हमें दिखाना होगा। ऐसा अगर बुलिश कैंडल से यहाँ पर फॉर्म होता है तो अपसाइड रैली यहाँ से कंटिन्यू हो सकती है। फिलहाल ये जो प्रेशर है अभी भी यहाँ पर इम्पैक्ट है, यहाँ पर ये और भी टूवर्ड साउथ की तरफ मूव कर सकता है। कभी भी डाउन ट्रेंड आता है तो ये ऐसे एंगल में चलता है, लोअर हाइज बनते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये जो लो स्विंग हाई और स्विंग लो बनते हैं इसको पकड़ के हम आने वाले लेवल्स को प्रोजेक्ट कर सकते हैं, फिबोनाची एक्सटेंशन टूल को यूज कर सकते हैं। तो और जब भी अप ट्रेंड आता है तो ये जो पैटर्न है लाइन चार्ट का ये कुछ इस तरह से चलता है, तो ये इसका भी ये जो स्विंग हाई और लो है इसको पकड़ के हम फिबोनाची एक्सटेंशन थ्रू आने वाले लेवल्स को प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पर अगर ये स्विंग लो और ये स्विंग हाई पकड़ ले हम और फिबोनाची एक्सटेंशन टूल को यूज करके यहाँ पर अगर ये ड्रॉ करें तो आने वाले लेवल्स को हम यहाँ पर प्रोजेक्ट कर सकते हैं। ऐसा ही होगा ये कहा नहीं जा सकता, ये एनालिसिस कर रहे हम। मैं यहाँ पर कुछ लेवल्स को और ऐड कर देता हूँ, 38.2 50%, ये प्रोबेबिलिटीज हम है जो हम यहाँ पर आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं अगर ये जो स्विंग लो और ये स्विंग हाई को पकड़ के अगर हम ये ड्रॉ करते हैं तो 38.2% का लेवल भी एग्जैक्ट 50 EMA के पास ही आ रहा था। तो अभी ये लेवल इसने अचीव कर लिया है, नेक्स्ट लेवल 50% का होगा जो कि 11,022 का होगा, और नेक्स्ट जो लेवल है 61.8%। ये तीनों काफी अहम रेशोज होते हैं, दुनिया भर में इसको माना जाता है। ये जो है तीसरा लेवल ये ऑलमोस्ट 100 EMA के पास आ रहा है, तो ये आगे के लेवल्स का प्रोजेक्शन हो सकता है कि अगर निफ्टी इंडेक्स यहाँ से टूवर्ड साउथ की तरफ और मूव दिखाता है तो ये प्रोबेबिलिटी है, ऐसा ही होगा ये कहा नहीं जा सकता। और अगर हम इसे अभी ये जो यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया है और बाउंस बैक होकर 20 EMA के ऊपर इसने क्लोज दिया है, तो अगर हम मान लेते हैं यहाँ से अगर ये स्विंग लो हो जाएगा और अगर यहाँ से ये टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ बढ़ता है तो यहाँ पर लेवल्स क्या प्रोजेक्ट हो सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर फिर से फिबोनाची एक्सटेंशन टूल को यूज करके यहाँ पर ये ड्रॉ कर सकते हैं, इस लो को पकड़ा, इस हाई को पकड़ा और इस लो को पकड़ा। तो यहाँ पर अगर मैं कुछ और लेवल्स ऐड कर देता हूँ, 23.6 38.2 और 50%, तो अभी आप देख सकते हैं 23.6 का ये लेवल इसने अचीव कर लिया। अगर इसके ऊपर ये डिसीजिव मूव दिखाता है तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पर टारगेट होगा 11,481 और उसके बाद 11,602, ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। तो ये प्रोबेबिलिटीज है, ऐसा ही होगा ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन अगर मूव ऐसा आता है तो इन लेवल्स के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर हमारा ट्रेडिंग पोजिशन यहाँ पर बना सकते हैं। तो ये था वीकली चार्ट का सिनारियो, चलते हैं डेली चार्ट में। डेली चार्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर ये जो जबरदस्त एक ही दिन में 700 पॉइंट का जंप आया था, उसके बाद नेक्स्ट डे गैप अप ओपन हुआ, 300 पॉइंट का बढ़त देखने को मिला, फिर यहाँ से प्रेशर फिर से हावी हुआ और ये जबरदस्त करेक्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी फिर यहाँ पर ये जो तीनों मूविंग एवरेजेस के नीचे क्लोज हुआ था वो फिर से एक बार ऊपर आकर ये क्लोज होते हुए दिख रहा है। लेकिन अगर इसे लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दूं तो यहाँ पर ये जो हमने डबल टॉप फॉर्मेशन को आइडेंटिफाई किया था, अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा है तो अभी यहाँ पर फिर से एक बार डबल टॉप फॉर्मेशन हो सकता है। ये इसने फर्स्ट टॉप यहाँ पर बना दिया, ये अभी सेकेंड टॉप यहाँ पर बना सकता है, ऐसा ही होगा ये कहा नहीं जा सकता, ये प्रोबेबिलिटीज है। ये अगर इसके नीचे आके क्लोज होता है और ये नेक लाइन को ब्रेक करता है और नीचे आके अगर क्लोज होता है तो फिर से यहाँ पर डबल टॉप फॉर्मेशन हो जाएगा, जो कि डाउन ट्रेंड का एक जबरदस्त सिग्नल है। तो यहाँ से और भी निफ्टी इंडेक्स यहाँ से टूवर्ड साउथ की तरफ मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर नहीं, अगर ये तीनों मूविंग एवरेज अगर ये देखिए क्लब हो रहा है, एक ही लेवल के पास ऑलमोस्ट आ रहा है, 11,240 से लेके 11,270 तक, तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी बन रहा है इन मूविंग एवरेजेस का। तो अगर ये यहाँ पर आके फिर सपोर्ट टेस्ट करके अगर ऊपर की तरफ ये मूव दिखाता है तो ये पैटर्न यहाँ पर डिसॉल्व हो जाएगा, ये यहाँ पर नहीं बनेगा। तो यहाँ से अगर ये डबल टॉप फॉर्मेशन बनता है तो निफ्टी टूवर्ड्स और भी साउथ की तरफ मूव होता हुआ हमें दिखाई दे सकता है।
अगर पैटर्न की बात करें, ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करें, तो मूविंग एवरेजेस देखिए अभी भी मिक्स्ड अप है, ना ही असेंडिंग ऑर्डर में है ना ही डिसेंडिंग ऑर्डर में। अगर अप ट्रेंड चाहिए तो ये असेंडिंग ऑर्डर्स में होना चाहिए, ऊपर शॉर्ट टर्म का एवरेज, नीचे मिड टर्म का एवरेज और उसके नीचे लॉन्ग टर्म का एवरेज, और उसके ऊपर ये इंडेक्स ट्रेड होता हुआ हमें दिखाई देना चाहिए। जब भी ऐसा अप ट्रेंड का पैटर्न आता है तो मूविंग एवरेजेस 45 डिग्रीज में ऊपर की तरफ इनका एंगल रहता है, 45 डिग्रीज ऑलमोस्ट, और उसके बाद ये मिड टर्म का, उसके बाद लॉन्ग टर्म का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एग्जैक्ट अपसाइड का स्ट्रक्चर है। अभी मूविंग एवरेजेस को देखें तो ऑलमोस्ट फ्लैट है, पैरेलल है, ये देखिए ऐसे ऐसे स्ट्रेट है, ये देखिए ऐसे। तो यहाँ पर ये सेम साइडवेज पैटर्न दिखा रहा है, एक दिन करीब 200 पॉइंट की गिरावट देखने को मिलती है, दूसरे दिन रिकवरी आती है। तो काफी वोलेटाइल मार्केट है अभी इस समय फिलहाल, मूविंग एवरेजेस भी मिक्स्ड अप है, तो काफी ट्रेड करते वक्त कॉशियस रहना होगा। तो ये फिलहाल डेली चार्ट का ये सिनेरियो है, वीकली चार्ट का देखा हमने, चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में। वीकली आज के लिए इंट्राडे लेवल्स क्या हो सकती है ये आइडेंटिफाई करेंगे। अगर निफ्टी टुवर्ड साउथ की तरफ अगर मूव करता है तो ये तीनों मूविंग एवरेजेस यहाँ पर आ रहे हैं, इसके नीचे ऑलमोस्ट आसपास, इसी के आसपास लेवल के पास आ रहे हैं एक दूसरे के। तो ये तीनों मूविंग एवरेजेस को ब्रेक होने दीजिए तो ये इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। अगर ये 11,252 के नीचे अगर ये सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा क्विकली टारगेट होगा एक छोटा सा 11,233, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा ये पिवट पॉइंट का S1 का लेवल जो कि 11,208 के पास है, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर टूवर्ड्स ये नॉर्थ की तरफ बढ़ता है, अपसाइड मूव आता है, तो ये जो फॉल आया था लास्ट, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडलस्टिक बनी है आर्ली चार्ट में, फिर से एक बार कोशिश की थी इसके ऊपर जाने के लिए लेकिन फेल हुआ था। तो 11,340 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजिशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,365, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 11,383, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये है निफ्टी के लिए आज के लिए इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आपके दोस्तों के साथ इस यूट्यूब चैनल को जरूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी।